कोरोना योद्धाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण में से एक पीपीई किट को बनाने का महत्वपूर्ण जिम्मा सखी मंडल को मिला है। जिला प्रशासन ने यह काम उन्हें सौंपा है। जिला प्रशासन ने इटके स्थित सखी मंडल की बहनों को बेहद महत्वपूर्ण काम सौंपा है। यहाँ के उगता किरण सखी मंडल को ये काम मिला है। इस कमरे में सखी मंडल की बहनें कोरोना संकट में योद्धा की भूमिका निभा रहे भाइयों के लिए पीपीई किट बना रही हैं। जिला प्रशासन दिया है बनाने के लिए पीपीई किट। इसके क्या क्या बनता है यहाँ पे, ये क्या क्या बना रही है? सब बनता है, मास्क बनता है, किट बनता है, जूता। इसका क्या उपयोग है? ये सरकारी काम में आता है, मतलब हॉस्पिटल में। यहाँ पीपीई किट बन रहा है। जो भी लोग कोरोना वायरस से संक्रमित है वो लोग के सुरक्षा के लिए। इस किट को मेडिकल एक्सपर्ट से मंजूरी मिल गई है। इस महिला समूह की बहनें किट बनाने को अपना सौभाग्य मानती हैं। इसके लिए विशेष तरह का कपड़ा जिला प्रशासन ने उपलब्ध कराया है, उसी की देखरेख में ये किट बन रहा है। हाँ, किट के लिए असल यहाँ इनके पास सारा मॉडर्न मशीन्स है और इनके पास साथ में काम करने के लिए बहुत सारे इनके कारीगर है। दीदी समूह की दीदी है जो कि पहले से ही काम कर रही है और ट्रेंड है, तो उन लोग से हम लोग बात किए कि आप लोग बना सकती हैं कि नहीं। परसों इनको ट्रेनिंग दिया गया, इन लोग तैयार हो गए कि हम लोग बनाएंगे, क्योंकि अभी इन लोग के पास लॉकडाउन के कारण इनके पास उतना काम भी नहीं था और इनका मशीन अभी खाली है और ये लोग तैयार हो गए, सहज तैयार हो गए कि हम लोग करेंगे, ताकि ये कोरोना वायरस के जो अभी संकट की स्थिति में है, इन ये भी चाह रहे थे कि हमारा भी कुछ योगदान हो, समूह की दीदी का कुछ योगदान हो। तो ये सारी हमारी जितने भी काम करने आ रही हैं सारी समूह की दीदी है और ये पहले से सिलाई जानती थी। इनको बस इसको अप्रैल को स्टिच करने के लिए 1-1.5 घंटे के हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया परसों और कल से ये अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। इस किट के लिए जिला प्रशासन को बाहर की कंपनियों से आग्रह कर महंगा दामों पर मंगाना पड़ता था, लेकिन अब इसकी कमी दूर हो सकेगी।